मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए। तो उत्तर में बाबा कहते कि पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आधी मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। आज मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है, उनके जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे, बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं। उन्होंने को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाएं, जिससे भवका अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। बाबा कहते यहाँ पर कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग गाते हैं क्या, मूत पलेती कपड़ धोए। बाबा आकर मूत पलेती कपड़ों की धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है।
यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। बाबा कहते मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उनों की वृद्धि होती है। तुम्हारा यह छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत का संग तो एक बाप का ही है, कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते हैं। गाते हैं नैया मेरी पार लिकाओ खिवैया, हे बागवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी है, वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना। बाबा कहते ज्ञान भी गरीबों को लेना है, साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है, अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। बाबा कहते जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैश्यालय है, बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर, प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता, यहाँ ही युद्ध की बात है। बाबा कहते योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो, शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे, पढ़ाता तो सबको राजयोग हूं, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान वाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत, अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा कहते अपने आप से पूछना है। याद में फेल है इसलिए वह अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्होंने चित्रों का भी कितना मान है, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने ते पुराना है। सबसे पुराने ते पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिव ही आते हैं, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है तो कहेंगे यह सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है यह भी तुम जानते हो।
गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है, वह तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है और तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। यह बातें कोई भी समझाने आएंगी नहीं, तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, बुलाते भी एक को ही हैं कि हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण व राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? बाबा कहते तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हारा श्रृंगार कराने, सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूं। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है, कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने, यह है अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर हैं, हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे और फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हमसो सोहम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, पाप समझाते हैं हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो, यह धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते कोई राजा कोई रानी कोई प्रजा जाकर बनेंगे, वहां सबको सुख ही सुख है, यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है। यह है ही दुख धाम और वह है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े, अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रालब्ध बन जाएगी, अभी यह ज्ञान है फिर प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं, यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता ना सके। कहते हैं द्वापर में आया, वेद शास्त्र बने ही द्वापर में हैं, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को अब ये सारा ज्ञान समझ में आया है, यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे ना सके, नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या। जब तक वह आकर ज्ञान न देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में इनकी भ्रिकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन्हें गुहे राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी ऊंची प्रलब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराती हैं वही खानी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। और वरदान दिया है बाबा ने आज हमें, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या और सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख चेतन और चरित्र को देखो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।